एंड्रॉइड टीवी में 4K वीडियो प्ले करने के लिए प्ले इट एप्लीकेशन का यूज करते हो, तो उसमें आपको एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करनी पड़ती होगी कि आप जब भी कोई वीडियो प्ले करते हो तो आपने देखा होगा कि वो वीडियो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो उसको बार बार सीधा करने के लिए आपको लैंडस्केप मोड में करने के लिए वीडियो को, तो आपको बार बार प्ले इट एप्लीकेशन के अंदर एक आइकन होता है मोबाइल और स्क्रीन का बना हुआ, जिस पर आपको माउस से बार बार क्लिक करना पड़ता है। तो अब उसके ऊपर आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। मैं प्ले इट एप्लीकेशन के अंदर आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा कि जब भी आप कोई भी 4K वीडियो प्ले करोगे तो वो एकदम लैंडस्केप मोड में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी सेटिंग है। तो सबसे पहले तो मैंने ये टीवी के अंदर ATV नाम का एक लॉन्चर डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। तो इसके बाद मैं यहां से नीचे प्ले इट एप्लीकेशन को खोल लेता हूँ। तो यहां पर ये अभी रिमोट काम करना बंद कर गया है, तो मैं इसको माउस से कंट्रोल करूंगा। तो आप देख सकते हो यहां पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। तो आप यहां पर देखोगे कि ये वीडियो टीवी के एकदम बीचों बीच चल रहा है, यानी कि एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसको बार बार सीधा करने के लिए हमको, ये आप देख रहे हो ऊपर की तरफ एक आइकन, तो इस पर हमें बार बार क्लिक करना पड़ता है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो आप देखोगे कि ये वीडियो फुल स्क्रीन में आ गया है। अब देख सकते हो कि ये वीडियो फुल स्क्रीन में है और मैंने इसको पॉज कर दिया है। तो अभी मैं आपको इसको फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में करके दिखाता हूं। तो इसके लिए मैं माउस का यूज कर रहा हूं। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये ताले का निशान आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर यहां पर 2 से 3 बार क्लिक करूंगा माउस के साथ। तो आप देखोगे कि ये वीडियो फिर से उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा था कि ये प्रॉब्लम आती है जब भी आप लेट एप्लीकेशन एंड्रॉइड टीवी के अंदर डाउनलोड करते हो। तो इस डायरेक्शन में वीडियो चलता रहता है, कोई भी वीडियो चलाओगे तो वो ऐसे ही चलेगा। और उसको सीधा करने के लिए आपको फिर से यहीं ऊपर की ओर ये ताले का निशान दिख रहा है कैंची के नीचे, आपको यहां से माउस के साथ यहां से क्लिक करना पड़ेगा बार बार। और जब भी आप वीडियो प्ले करोगे तो आप देख सकते हो, मैं इस वीडियो को चला देता हूं, तो आप ये देखोगे कि अभी वीडियो फुल स्क्रीन पे चल रहा है। तो इसी के लिए मैं आपको सेटिंग बताऊंगा अभी आपको क्या करना है। तो हम बैक आ जाते हैं। तो अभी यहां पर आपको एप्लीकेशन के अंदर ये एक मी का ऑप्शन मिलेगा नीचे की तरफ, तो ये टीवी के अंदर तिरछी एप्लीकेशन चलती है, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो यहां पर डाउनलोड के आगे एक ऑप्शन मिलेगा मी का, आपको यहां पर आ जाना है। यहां पर आने के बाद आपको यहां पर एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहां पर आना है। इसके बाद आपको यहां पर एक जर्नल के नीचे वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहां पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पर वीडियो स्क्रीन ओरिएंटेशन यहां पर क्लिक करना है दूसरे नंबर पर। तो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको इनमें से तीसरे नंबर वाला सिलेक्ट कर लेना है। जब आप इसको खोलोगे तो पहले वाला सिलेक्ट होगा, लेकिन आपको यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं फॉलो सिस्टम रोटेट सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपको यहां पर बैक आ जाना है इसके बाद। तो आपका काम यहां से खत्म हो गया है। तो मैं अभी आपको यहां पर दिखाता हूं फिर से वो वीडियो प्ले करके, जो मैं आपको कह रहा था कि वीडियो हमारा जो भी है वो लैंडस्केप मोड में नहीं चलता, तिरछा चलता है। तो अब आप देखोगे कि जो हमने सिस्टम के हिसाब से सेटिंग हो चुकी है इस एप्लीकेशन की, जब भी आप वीडियो प्ले करोगे, तो मैं आपको यहां पर वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं। तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक ही एकदम से वीडियो सीधा हो गया है, यानी कि फुल्ली स्क्रीन में आ गया है। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हो ये माउस का निशान है, और मैं यहां से इसको क्लिक कर देता हूं, तो आप देखोगे एकदम से वीडियो सीधा हो जाता है। अब आपको यहां पर बार बार इस तीर वाले निशान को, यहां पर ये मोबाइल और स्क्रीन का आ रहा है, इस पर आपको बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये सेटिंग कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा यहां से। तो आप यहां पर देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।